अब बात करते हैं एसपी राकेश सगर की। एसपी राकेश सगर ने जिले की कमान संभालते ही कई महत्वपूर्ण अभियान चलाए हैं। इन अभियानों में प्रमुख ग्रामीणों से संवाद किया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान तत्काल किया जा रहा है। नीमच के एसपी राकेश सगर ने नीमच पुलिस को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कई अभियान शुरू किए। गांव चलो अभियान के तहत जहां ग्रामीणों से जनसंवाद बनाया जा रहा है, वहीं अब पुलिस डाक सेवा भी शुरू की जा रही है। हर पंचायत स्तर पर पुलिस विभाग एक पोस्ट बॉक्स लगाएगी। किसी भी ग्रामीणों को अगर परेशानी या शिकायत है तो वे लिखकर बॉक्स में डाल देगा। इस पर थाना स्तर पर अधिकारी अमल करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे। यही नहीं, एक सब इंस्पेक्टर रेंज का अधिकारी हर पंचायत में जाएगा और पोस्ट बॉक्स में आने वाली समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करेगा। नीमच में लंबे समय तक एएसपी रहे श्री सगर एएसपी पद पदोन्नत होने के बाद पुनः नीमच आए और नीमच पुलिस को सरल, सहज और आम जनता के लिए दोस्त बनाने की दिशा में कड़े कदम उठाना शुरू कर दिए। बतौर एएसपी पहली प्रेस वार्ता में श्री सगर ने कहा कि पुलिस को जनता की दोस्त बनाएंगे और इस दिशा में कई अभियान शुरू किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र को अपराध की दृष्टि से 3 कैटेगरी में बांटा गया है, आ, बा और सा। इस कैटेगरी के माध्यम से अब गांवों को अपराध मुक्त बनाया जाएगा। एक्चुअल ये प्रेस वार्ता का उद्देश्य था कि जो अभी हम सड़क सुरक्षा जो सप्ताह चला रहे हैं उसमें हम लोग अपनी कार्रवाई बता पाएँ। दूसरा, हम लोग जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं खासतौर पर अपराध की रोकथाम के लिए, वो गतिविधियाँ संचालित करने में आपका योगदान है और वो भी हम बताना चाह रहे थे कि भी आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। और एएसपी राकेश कुमार सगर ने कहा कि गांव चलो अभियान के तहत नीमच पुलिस ने जनसंवाद कार्यक्रम स्थापित की। 26 जनवरी से शुरू हुए इस अभियान में अब तक पुलिस प्रशासन 70 गांवों तक पहुंच चुकी है और लोगों की समस्याओं का निराकरण किया गया है। बाछड़ा कम्युनिटी का लेकर श्री सगर ने कहा, बाछड़ा कम्युनिटी को लेकर एक कार्ड तैयार किया जा रहा है। इस कार्ड में पूरे परिवार का ब्यौरा होगा, जिससे शिक्षा और आर्थिक स्थिति का भी जिक्र होगा। ये अभियान खासतौर पर ग्राम चलो जनसंवाद अभियान, साथ में ही ऑपरेशन विश्वास जो हम चला रहे हैं तुरंत शिकायत निराकरण वाला, तो ये भी चूंकि आपके माध्यम से भी हम आम लोगों तक वो जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि आप जो है थाने में पहुँचेंगे तत्काल आपकी आवेदन लिखा जाएगा और आवेदन कार्रवाई होगी। अगर इनमें कहीं कोई चूक होती है तो आपके माध्यम से हमारे पास जानकारी आए तो हम उसको और मजबूत।